हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम यहाँ पे फोन पे आपको बनाने का अकाउंट बता रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे पैन कार्ड मांगता है। बिना पैन कार्ड के भी आप इसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ फेम पे डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है। मैं इसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉलिंग का प्रोसेस हो रहा है। इंस्टॉलिंग होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपना जो भी जैसे भी इंस्टॉल हो जाएगा, हम इसे ओपन कर लेंगे। जैसे हम अकाउंट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और आप वहाँ से जाके कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा वीडियो पूरी तरीके से यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे है, अगर जो आप आधार कार्ड से बनाना चाहते हैं, यहाँ आपके पास पैन कार्ड नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं ओपन करूँगा, गेट स्टार्ट पे हमें क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पे जैसे आप करेंगे, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक कुछ देता है, बट हमको अगर चेंज करना है, मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा अपना नंबर डाल देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना दूसरा नंबर, यहाँ पर जो भी हमारा नंबर होगा जो आधार में आपके लगा हो, या नहीं भी लगा होगा तो आपको OTP लेना पड़ेगा आधार पे, जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लगा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पे वो मोबाइल नंबर अपना डाल देते हैं, जैसे हम यहाँ डालते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे आपको इससे नहीं मतलब है कि आपका आधार में नंबर जो लगा है वो, तो आपका OTP आएगा, वो आपको सबमिट करना होगा। बट यहाँ पे आप जिस अकाउंट को बनाना चाहते हैं, जिस नंबर से, वो आप कर सकते हैं। देखिए, ये वीज़ा का कार्ड है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, जो ब्लैक कलर का आपको नीचे दिख रहा है, और ये किस बैंक का है आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होता है आपका नाम डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। ये मतलब कार्ड के पीछे आपका पड़ता है कि आप मतलब पता चले कि हाँ भाई आप कौन हो, क्या हो, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपका पड़ जाता है। ऊपर पड़ जाएगा आपका नाम, उसके बाद नीचे आपका सेकंड नेम, जो फर्स्ट नेम बोलते हैं उस टाइप से आपका, जैसे मान लीजिए विवेक हो गया नीचे, तो यहाँ चौधरी हो जाएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो गलत हो जा रहा है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देख के डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी गलत हुआ तो आपका कार्ड गलत इशू हो जाएगा। और यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी देंगे कि आप कार्ड कैसे मंगा सकते हैं घर बैठे ही। इसका 99 रुपीज़ आपको चार्ज पड़ता है, आप मंगा सकते हो चाहो तो ये चीज़ आप यहाँ से जाके आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, सेम इसी तरीके से आपको डालना है जैसे मैंने यहाँ पर डाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ जो ये देखिए सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ऑप्शन आएगा आपको नीचे, यहाँ पे गेट प्रोसेसिंग पे आपको सारे परमिशन अलाउ कर देने हैं। यहाँ पे देखिए हो गया। अब एक नया ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि KYC के लिए, यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड मांग रहा है। लेकिन उसके नीचे आपको जो लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू विथ पैन कार्ड नंबर, तो आप उस पर नहीं, उसके नीचे वाले पे क्लिक करके और यहाँ पे इंटरियर आधार नंबर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे कहेगा आप जो जो आधार है वो आधार नंबर डालिए, और उसका जो OTP आएगा आपको यहीं सबमिट करना होगा। तो यहीं पर आपको ये चीज़ ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहीं पर ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा ये हो गया। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, अब ये मेरा आधार कार्ड यहाँ पे ले लेगा, उसके बाद ग्रीन टिक लग जाएगा, आपकी KYC भी हो जाएगी, आपको 500 क्वाइन भी इसके जल्द मिलेगा। तो ऐसे करके आप इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर